हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से टैबलेट्स आपको अमेजोन रिपब्लिक डे सेल के दौरान सेल पर देखने को मिलेंगी, तो आज से सेल स्टार्ट हो चुकी है प्राइम मेंबर्स के लिए। कल से नॉर्मल लोगों के लिए भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे क्या क्या प्राइस रिवील हुई है, कौन कौन से टैबलेट्स पर आपको बेस्ट ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, जो ऑफर्स के पेजेस के लिंक होंगे कि आप डायरेक्ट अमेजोन पर चेकआउट कर सके, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैं डाल दूंगा, सो आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्च करते हैं हम टैबलेट्स और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी टैबलेट्स पर आपको बेस्ट डील्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है टैबलेट्स। अब हम अलग अलग टैबलेट्स का यहाँ पर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सैमसंग की टैबलेट। जैसे कि मैंने आपको A9 प्लस की कल भी प्राइसिंग बताई थी, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, तो इसकी प्राइसिंग पे ऑलरेडी कट आपको देखने को मिल चुका है। 20999 की अभी आपको देखने को मिल रही है वाईफाई वाली। सो कुछ लोगों को जिनको सैमसंग की टैबलेट्स पसंद आती है, ओवरऑल एक आप चाहते हो कि आफ्टर अपडेट्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती रहे जब अगर आप एक टैबलेट लें, और साथ में दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी टैबलेट मतलब एक अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ आए, तो आप ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, बस इसके अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते। जो ये 20,000 रुपीज अप्रोक्स वाला वेरियंट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको वाईफाई के थ्रू इंटरनेट का इंजॉय करना होगा। यहाँ पर आपको 4G वगैरह की सिम नहीं लगा सकते हो। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो टैबलेट ओवरऑल 11 इंच की काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, और यहां पर आपको जो प्रोसेसर है वो भी स्नैपड्रैगन का देखने को मिलता है। तो ये आपको पहली टैबलेट देखने को मिल जाती है जिस पे प्राइस कट हो रखा है अभी। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं, दूसरी टैबलेट्स भी आपको देखने को मिल जाती है काफी सारी। अभी हम यहां पर सबकी प्राइसिंग देखेंगे एक एक करके। अब यहां पर रेडमी की टैबलेट्स देख लेते हैं, दो ही टैबलेट्स हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों, जो ये है Xiaomi Pad 6, ये अभी करंटली आपको 26999 का दिखा रहा है। अभी 128GB वाला वेरियंट है, 256GB वाला, एक बार देखना होगा। हाँ, ये 256GB वाला वेरियंट है। 128 वाला आपको और भी सस्ता देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ से ऑप्शंस आ रहा है, हाँ एक मिनट में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ 6GB वाले क्या प्राइस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग यही लेना प्रेफर करते हैं। अगर आपको किसी भी टैबलेट का रिव्यू वगैरह देखना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस तरीके से समझ भी आ जाए कि कौन कौन सी उस पर डील्स चल रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 24999 पर हो गई है। यही प्राइस मैंने आपको कल बताई थी कि अप्रोक्स इतनी प्राइस में आएगी। इसके ऊपर से जो ऑफर्स हैं आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर इनमें से आपके पास फॉर एग्जांपल ICICI का यहाँ पर आपके पास क्रेडिट कार्ड है अमेजोन वाला, या फिर दोस्तों आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो आप अलग से भी डिस्काउंट्स ले सकते हो। तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपके पास कार्ड्स हो, लेकिन जो प्राइस कट है वो तो सभी को मिलेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल आपको एक तरह से डिस्काउंट देखने को मिलता है वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास है तब आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं और टैबलेट्स के ऊपर किन किन डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अलावा जो इनका रेडमी का पैड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी करंटली रेडमी पैड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। रेडमी पैड अगर जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं, अभी उस पर भी डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों आपको जो इनका 128GB वाला वेरियंट है वो दिखाई दे रहा है, जो नॉर्मल वाला है वो लगभग आपको 13,000 समथिंग में देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों रेडमी की टैबलेट्स। अब बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर हम सैमसंग की S6 Lite के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को स्टाइलस वाली टैबलेट चाहिए होती है। सो अभी देख लेते हैं उसकी लाइव प्राइसिंग कितनी हो गई है जो कि सैमसंग की तरफ से आती है। तो इसकी प्राइसिंग हम देखें तो दोस्तों ये अभी 23,000 दिखा रहा है। हाँ, ये 4GB 64GB वाला जो वेरियंट है 23,000 अप्रोक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी आप 10% का डिस्काउंट अवेल करके यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको सारे के सारे यहाँ पर अप टू 2,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है। सो इस टैबलेट के ऊपर भी आपको ऑफर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इसको आप जितनी मतलब कम से कम वाला वेरियंट ले उतना अच्छा है, क्योंकि इस टैबलेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो 20,000 रुपीज़ की रेंज में लो तभी अच्छा है। अदरवाइज कोई लोग सोच रहे हैं कि इसका वाईफाई LTE वाला वेरिएंट ले लें, तो ना ना वो आप उसको मत लीजिएगा, वो इतना यूजफुल है नहीं। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग की S6 Lite और A9 के बारे में मैंने बता दिया। एक बार हम सैमसंग की S7 FE के प्राइस देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सैमसंग की जो महंगी वाली टैबलेट्स है वो भी लेना एक तरह से पसंद करते हैं। तो एक बार FE जो टैबलेट आती है सैमसंग की, ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्राइसिंग पर ये अभी करंटली देखने को मिल रही है। हाँ, तो दोस्तों इसके ऊपर भी अगेन यहाँ पर आपको प्राइस कट देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल डेज पे 38,000 और कभी 35,000 तक देखने को मिलती है। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे, इसको आप परचेज कर सकते हैं अगर आप एक फ्लैगशिप टैबलेट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखो अप टू 4,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट है। तो यार काफ़ी एक अमेजिंग डील है, जो लोग एक सैमसंग की टैबलेट लेना चाहते हैं स्टाइलस के साथ, तो वो इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई दोस्तों सैमसंग की कुछ टैबलेट्स। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लेनी है तो एसेट वगैरह के ऊपर भी डिस्काउंट इस बार मिल रहा है, तो जो कि डेफिनेटली काफ़ी एक बढ़िया टैबलेट है। ये आप देख सकते हो, ये वाली टैबलेट लेटेस्ट टैबलेट है और काफ़ी अच्छी ओवरऑल आपको देखने को मिल जाती है, तो इनके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। बाकी इसके अलावा S9 सीरीज वगैरह जिनको 70-80,000 रुपीज़ की लेनी है तो वो ले सकते हो। अभी दोस्तों सैमसंग की सारी टैबलेट्स कवर हो गई, रेडमी की कवर हो गई, यहाँ पर हम रियलमी की टैबलेट और देख लेते हैं, रियलमी की टैबलेट्स पे क्या डिस्काउंट अभी आपको देखने को मिलने हैं। बाकी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टैबलेट्स के ऊपर पेन वर्क करता है नहीं करता, क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको पेन वाली टैबलेट चाहिए। साथ में दोस्तों सारी की सारी टैबलेट्स के जो मैं आपको ऑफर्स वाले पेजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप अमेजोन से डायरेक्ट वहां से चेकआउट कर सकें, तो वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो रियलमी टैबलेट है, तो रियलमी के पैड एक्स के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, पैड टू के ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। पैड टू आप देख सकते हैं इसकी जो लिस्ट प्राइसिंग है, इवन ये 4G के साथ भी टैबलेट आती है, ये तो ये सबसे इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी लोगों के लिए काफी बड़ी बात होती है। साथ में यहाँ पर आपको G99 प्रोसेसर देखने को मिलता है और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पीछे से भी आपको जो इसका लुक है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले का साइज भी काफी अच्छा है यहाँ पर आपको ओवरऑल देखने को मिलता है। इस टैबलेट को आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रियलमी के यहाँ पर रियलमी पैड एक्स के ऊपर भी डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों रियलमी पैड एक्स जो है करंटली, हाँ ये रियलमी पैड एक्स 18590 का देखने को मिल रहा है, वाईफाई वाला। 5G वाला आप लेना चाहते हो तो 5G वाला यार अभी तो करंटली ये रहा, हाँ ये 25999 का दिखा रहा है। इसके ऊपर कोई जो एक तरह से प्राइस कट हुआ है वो कोई नहीं हुआ है बेसिकली, अगर होता तो इसकी प्राइसिंग और कम जाती, लेकिन इस पे ये है कि आप क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स अवेल कर सकते हो। इफ़ यू नीड ए 5G टैबलेट, सो आप यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको बैंक का जो डिस्काउंट है 1500 का वो आपको देखने को मिल रहा है SBI क्रेडिट कार्ड पर, तब आप इसको परचेज कर सकते हो अगर आपको 5G वाली टैबलेट चाहिए। अभी करंटली मैं 5G की बात चली पड़ी है, तो मैं यहाँ पर आपको एक दो टैबलेट्स दिखा देता हूँ 5G की जिनके ऊपर प्राइस कट हुआ होगा डेफिनेटली। एक तो लिनोवो टैब M10 है जो कि 5G के साथ आती है, वो देख लीजिएगा, हाँ ये आपको देखने को मिलती है, इसके ऊपर आपको 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये टैबलेट आती है। ओवरऑल सारी चीज़ें सेम है रियलमी पैड एक्स जैसी ही, यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आपको एक्स्ट्रा स्मूथ फील कराएगी, तो ये 5G के साथ आती है। अभी दोस्तों यहाँ पर सैमसंग की टैबलेट और देखने को मिलती है 5G के साथ, लेकिन वो चूंकि प्राइस उसकी कॉस्टली है थोड़ी सी, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो उसको मैं इतना रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आईपैड की प्राइस इस बार चेक कर लेते हैं कि आईपैड किस प्राइस पर गया है, उसके बाद हम कुछ और टैबलेट्स की प्राइस देखेंगे। यहाँ पर आईपैड 9th जनरेशन, तो दोस्तों इस पर इस बार कोई प्राइस कट अभी तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, मैं फ्लिपकार्ट की वीडियो बनाऊंगा वहां पर हो सकता है आपको देखने को मिले। बाकी इसके अलावा अगर आपको आईपैड लेना है महंगा वाला, तो आईपैड आप M1 ले सकते हो, M1 के ऊपर डिस्काउंट है, कल मैंने बताया भी था आपको, M1 वाला जो आईपैड आता है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों इसका, हाँ ये रहा, ये आपको डिस्काउंट्स के साथ देखने को मिल रहा है, इसकी ओरिजिनल डे पे प्राइस आपको 4-5 हज़ार ज़्यादा ही देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, तो आप मान के चलो इसको 64,000 समथिंग में आप ग्रैब कर पाओगे, तो किसी को अगर आईपैड लेना है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा वापस से आते हैं अपनी नॉर्मल टैबलेट्स में, तो यहाँ पर दोस्तों लिनोवो की टैबलेट्स देख लेते हैं, क्योंकि लिनोवो की भी काफ़ी सारे लोग लेना चाहते हैं। तो लिनोवो की सबसे पहले टैबलेट अगर किसी को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए, तो लिनोवो टैब P12 यार, इससे बेस्ट टैबलेट अभी तक कोई नहीं आई है 25,000 रुपीज़ की रेंज में, अगर आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए टैबलेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इतनी बढ़िया स्क्रीन देखने को मिलती है ना, आपको यहाँ पर लगभग 12 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर आपको 3K रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसके अंदर आप हाई क्वालिटी वाला कंटेंट एक तरह से चला लो, तो आपको कितना ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। JBL के क्वाड स्पीकर्स वगैरह यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमोस है, साथ में वाईफाई 6 का सपोर्ट है, और दोस्तों बैटरी भी बड़ी है, तो ओवरऑल अच्छी टैबलेट देखने को मिलती है, तो लिनोवो की आप ये टैबलेट ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लिनोवो की यहां पर आपको P11 वगैरह टैबलेट्स देखने को मिल जाती है, वो आप परचेज कर सकते हो, ये अभी न्यू हाल ही में ही आई है, ये टैबलेट्स आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर वही सेम जो मतलब आजकल क्या है कि सारे टैबलेट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर सी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, लाइक आप रियलमी की ले लो, रेडमी की ले लो, बस ये यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लिनोवो के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर ना क्लीन UI देखने को मिल जाता है कंपेयर टू रियलमी रेडमी वगैरह, तो ये टैबलेट आप परचेज कर सकते हो। P11 वगैरह ये आपको देखने को मिल जाती है, ये टैबलेट्स भी अच्छी है, P11 की कीबोर्ड्स वगैरह के साथ में आती है, तो अगर आपको कुछ फैंसी फीचर्स चाहिए तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लिनोवो की कुछ और टैबलेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं,
लाइक यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, M10 वगैरह आती है, ये तो P12 का ही वर्जन आता है। M10 ये तो दोस्तों बेसिक वाली आती है, अगर किसी 15,000 रुपीज़ में चाहिए तो ये आप परचेज कर सकते हो। करेंटली अभी एक्टिव स्टाइलस वाली टैबलेट यहाँ पर महंगी वाली दिखा रहा है लेकिन सस्ती वाली दिखा नहीं रहा है, तो आप उसको अवॉइड ही कीजिएगा। इसके अलावा 10,000 रुपीज़ में दोस्तों ये टैबलेट काफ़ी एक अमेजिंग चॉइस हो सकती है अगर किसी को लिनोवो की टैबलेट चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस ये टैबलेट ना जब आप नॉर्मल डिस्प्ले की प्राइसिंग देखोगे तो अप्रोक्स 15 से 16,000 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। अभी करंटली यहाँ पर आपको प्राइस कट हो रखा है, इसकी डिस्प्ले बेस्ट है, बैटरी लाइफ बेस्ट है, प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। सो इस टैबलेट को आप डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हो। लास्ट में दोस्तों मैं एक ब्रांड है जिसकी टैबलेट रिकमेंड करूंगा, जिसका नाम है ओनर पैड एक्स। अब ओनर पैड है, ओनर है बेसिकली नाम, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ओनर की X9 और X8 दोनों ही टैबलेट्स आपको डिस्काउंट के साथ देखने को मिलेगी। ये रही दोस्तों, ये तो एक जैम है पूरा, मतलब एक तरह से दोस्तों ये बेस्ट टैबलेट है अगर किसी को 10,000 रुपीज़ के अंडर में टैबलेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि रियलमी पैड मिनी और जो अलग अदर सेगमेंट्स में कुछ टैबलेट्स आती हैं अगर हम लिनोवो को छोड़ दें तो यहाँ पर वो देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर जो प्रोसेसर है प्राइस के हिसाब से अच्छा है, नॉर्मल आपकी काम हो जाएंगे इस तरीके से, बैटरी लाइफ अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, और सबसे अच्छी तो इसकी प्राइस है, क्योंकि नॉर्मल डिस्प्ले की प्राइस आपको 11 से 12,000 रुपीज़ देखने को मिलती है। अभी इसके ऊपर आप कार्ड डिस्काउंट भी अवेल कर लोगे तो 8-9 हज़ार में टैबलेट आपको देखने को मिल जाएगी। सो यार ये काफ़ी बढ़िया एक तरह से चॉइस देखने को मिल जाती है। X8 के ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिला, ये भी आप परचेज कर सकते हो। अगर 15,000 रुपीज़ में टैबलेट चाहिए तो X9 बाई कर सकते हो। X9 मैं आपको दिखा देता हूँ, X9 करंटली अभी अवेलेबल है नहीं क्या, ऐसा कुछ हो रखा है अभी दोस्तों यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, मैं यहाँ पर सर्च तो कर रहा हूँ। हाँ ये आ गया है X9 दोस्तों, ये वन ऑफ द अमेजिंग टैबलेट्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्पीकर्स हैं वो 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो बड़ी डिस्प्ले है ओवरऑल, यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड रैम है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो बैटरी एफिशिएंट होगी टैबलेट, साथ में दोस्तों ओवरऑल ये टैबलेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। कमी सिर्फ एक है कि यहाँ पर कोई भी एक तरह से कह सकते हैं 4G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, इसके अलावा बेस्ट है। बाकी सारी की सारी टैबलेट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप वहीं पेज पे लैंड करेंगे अमेजोन के और आप इस तरीके से वहां से परचेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप ऐसे टैबलेट्स रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट की वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर मिल जाएगी आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।